आज आपको ये वीडियो के अंदर सैमसंग एक CRT अल्ट्रा स्लिम टीवी रिपेयर करके देखाऊंगा, ठीक है। ये कस्टमर का एक बहुत दिन से पड़ा हुआ टीवी है, वो मेरे पास लेके आया। तो चलिए इसके अंदर जो जो फॉल्ट मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ रिपेयर करके देखाऊंगा, ठीक है। आप शुरू से ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो कुछ अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता, वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों टीवी को मैं सप्लाई देके ही रखा हूँ, इसी तरह सोलर लाइनिंग है। और टीवी का कंपनी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखिए सैमसंग कंपनी का, ठीक है। अच्छा करके आप फॉलो कीजिए। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, देखिए सप्लाई देने का साथ साथ इसी तरह एक लाइनिंग शो हो रहा है। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। और ये जो लाइट है ये कभी कभी चला जाता है और फिर भी ये लाइट आ जाता है, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। और ये जो लाइट, इस लाइट का जो ग्लो जितना होना चाहिए इतना नहीं है। तो अभी इसका पीछे एक बार दिखाना चाहते हैं, ये जो अल्ट्रा स्लिम टीवी है इसका मॉडल नंबर क्या है। ये मॉडल नंबर स्क्रीन का अंदर देखिए, मॉडल CS21D650, इस तरह इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए इसका बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत दिन से पड़ा हुआ टीवी है। तो देखिए कितना इसका अंदर मिट्टी और धूल जैसा इस तरह ये देखा जाता है, ठीक है। ये जल जल सब देखा जाता है, तो थोड़ा साफ सुफ करना पड़ेगा। साफ सुफ करने के बाद, ठीक है, आपको देखाऊंगा इसका प्रॉब्लम कौन पोजीशन से हो रहा है, ठीक है। मेनली ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट है। फाइनली दोस्तों टीवी तो मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद इसके लाइट को फॉलो कीजिए। बहुत ही हल्का सा लाइट और लेफ्ट से राइट साइड एक ट्यूबलाइट जैसा लाइट है। मीटर को मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है 200 DC रेंज पर, ठीक है। फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, वर्टिकल जो IC है, वर्टिकल IC तो फॉल्ट नहीं है, और वर्टिकल IC का प्रॉपर सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। जो ESD से ये जो लाइन है, ये से एक सप्लाई जाता है, ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, +16 वोल्ट, मतलब ये सप्लाई ESD से आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों इसी का साथ एक माइनस वोल्ट मिलना चाहिए, -16 वोल्ट के आसपास। तो ये जो लाइन है बीच में फ्यूज है, और ये जो डायोड है, डायोड का पॉजिटिव पिन पर कितना वोल्ट आ रहा है, चलिए मीटर पर देखना पड़ेगा, -14-15 वोल्ट का आसपास। थोड़ा सा वोल्टेज डाउन है बट काम चल जाएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। तो सप्लाई तो ओके है, सप्लाई तो फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई जब ओके होगा उसका बाद क्या टारगेट करना पड़ेगा कि इसी तरह जब लाइन आ जाएगा तो वर्टिकल IC भी फॉल्ट हो सकता है। वर्टिकल IC के अंदर जो सिग्नल आना चाहिए मेन प्रोसेसर IC से, वो भी फॉल्ट हो सकता है। मेन IC भी फॉल्ट हो सकता है, मेन IC के अंदर सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा तो तब भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको इस तरह टच करके देखना पड़ेगा, मतलब वर्टिकल IC को टच करके देखना पड़ेगा कि स्क्रीन के अंदर कुछ भी फ्रैक्चरेट हो रहा है कि नहीं। बट दोस्तों कुछ भी फ्रैक्चरेट नहीं मिल रहा है। तो फाइनली ऊपर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ ये PCB के अंदर जो वर्टिकल IC कौन सा नंबर का वर्टिकल IC है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट मैं IC पर टच करने के बाद कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, तो इसीलिए ये 78141, ठीक है, 41 का ये वर्टिकल IC है। आप यहाँ पर 45, ठीक है, IC भी आप यूज़ कर सकते हो। और 40 जो IC होता है, तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पर आप मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये 21 इंची का अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ठीक है। तो चलिए ये IC चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट आता है। फाइनली दोस्तों ये IC को ओपन किया, ठीक है, ये IC ओपन करने का साइड कर दिया। तो दोस्तों ये IC भी नंबर आपको एक बार देखा है 78141, ठीक है। मेरा पास सेम नंबर IC नहीं है, बट उसी से हाई क्वालिटी ये ओरिजिनल एक IC है 78045 का, ठीक है। ये IC मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों इसी कंडीशन पर न्यू टेक्नीशियन बताएगा कि सर ये IC को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों मैं न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ कि इतना दिमाग मारने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा IC को एक बार चेंज करके देखिए, होगा तो होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो और अलग कुछ चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं ये IC को लगाने के बाद एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, उसका बाद। तो दोस्तों ये आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है कि इनपुट सेक्शन का, ये सब पता चल जाएगा। फाइनली दोस्तों ये IC को मैं लगाया, ठीक है, न्यू IC लगाने के बाद आपको देखा है कि ये पुराना वाला IC है, ठीक है। और उसके बाद चलिए मैं सप्लाई देखिए एक बार दिखाना चाहता हूँ कुछ चेंज। तो दोस्तों चेंज तो बहुत आ गया, देखिए ये जो लाइनिंग, फर्स्ट बहुत ही हल्का सा लाइट था,
बट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बहुत ही हाई ब्राइट का साथ ये लाइट आ गया, तो क्या बात है, फॉल्ट तो दोस्तों आईसी का फॉल्ट था क्या, बट हो सकता है आईसी का फॉल्ट, तो लाइट थोड़ा हाई हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं ESD को बढ़ा के आपको दिखाया, तो सिर्फ जो मैं आईसी चेंज करके ही देखा, और अभी इसी टाइम आईसी को एक बार टच करके देखता हूँ कि देखिए इसका जो मेन प्रॉब्लम, ये देखिए आईसी टच करने के बाद जंपिंग भी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों मैं अच्छा करके जब चेक करके देखा कि इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट, आपको हर टाइम बताता हूँ कि आईसी टच करने के बाद जब कुछ भी रिस्पॉन्स स्क्रीन के अंदर नहीं मिलेगा, तो देखिए ये एक कॉइल का एक वाइट यहाँ पर टूट गया, ठीक है। तो ये कौन पोजिशन पर, ये भी अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं ये कॉइल को अच्छा करके देखने के बाद तो आपको ये दिखाता हूँ कि ये पोजिशन पर ये जो वायर है, देखिए ये वायर को ये पोजीशन पर जो ये दो दो RX वायर देखा जाता है वहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये कॉइल का ये जो अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल है आप अच्छा करके देखिए, एक्चुअली ये जो कॉपर का ये कॉइल नहीं है, ठीक है, एलुमिनियम का है, इसीलिए ये सल्फर के बजाय इसका जो वायर का पॉइंट है ये टूट गया, ठीक है। ये साइड से भी आप देख सकते हो, इधर साइड भी टूट गया, तो एक्चुअली ये पॉइंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अल्ट्रा स्लिम का ये कॉइल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, और जो मिलेगा तो सेम टू सेम नंबर आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा, पिक्चर का जो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए वो सही नहीं आएगा। फाइनली दोस्तों ये वायर को मैं लगाया अलग से, एक कॉपर का वायर यहाँ से मैं ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से ज्वाइन करके लेके आया ऊपर, ठीक है। और उसका बाद ये मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया, बट दोस्तों एलुमिनियम का अंदर जो आयरन से सोल्डर वो नहीं होगा, बट थोड़ा सा मैं ये रंग लगाया, ठीक है, इधर से भी रंग लगाया, क्योंकि जो कॉपर कॉयर है कॉपर का अंदर सोल्डरिंग वो लग जाता है, बट एलुमिनियम का अंदर नहीं लगेगा। तो उसका बाद दोस्तों मैं आपको सप्लाई दे के दिखाना चाहता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों ये RX का फॉल्ट है, ये फॉल्ट देखिए व्हाइट रिक्टेस लाइन प्रॉब्लम। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन अच्छा करके दिखाता हूँ, देखिए ये व्हाइट रिक्टेस लाइन तो दोस्तों प्रॉब्लम इसी है। तरह जो व्हाइट रिक्टेस लाइन प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए जो इसका मेन प्रॉब्लम होता है कि 184 लाइन जो होता है, जो मेन PCB से वोल्टेज ये बेस बोर्ड का अंदर आता है, वो लाइन प्रॉब्लम होने का रीजन से, मतलब 184 लाइन मिसिंग हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, 184 लाइन का अंदर जो कैपेसिटर रहता है वो खराब होने का रीजन से हो सकता है, हो सकता है 184 लाइन ये बेस बोर्ड का अंदर जो जाता है, ठीक है, IC बेस बोर्ड होगा तो IC फॉल्ट होने का रीजन से हो सकता है। बट दोस्तों ये ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड है, ठीक है, कुछ भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली एक बार टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम कौन पोजीशन से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं, ये सैमसंग का PCB है, ठीक है, तो ये PCB का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जो आपको ये वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ESD को ESD जो होता है ESD को एक बार एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्क्रीन का अंदर ये जो ESD है, ESD को घुमाने का पहले, ठीक है, ये जो ESD का नीचे वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट को आपको घुमा के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट स्क्रीन को अच्छा करके देखिए, ये व्हाइट रिक्टस लाइन है जो क्लियर कैमरा पर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों ये व्हाइट रिक्टस लाइन, मतलब एक सरु सरु लाइनिंग स्क्रीन का लेफ्ट से राइट साइड ये शो हो रहा है। तो इसी कंडीशन पर पिक्चर भी देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है बहुत हल्का सा पिक्चर आएगा। और दोस्तों देखिए ये लाइट चला गया और इसी का साथ पिट 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 आवाज़, कुछ फायरिंग मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ लुटकन तक कुछ भी पोजीशन पर हो रहा है, फिर भी दोस्तों लाइट आता है, धीरे धीरे लाइट आता है, देखिए इसी तरह ये लाइट आता है। तो ये जो ESD का पिन, ये थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देखना पड़ेगा, चलिए मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। देखिए लाइट बहुत बढ़ जाता है और डाउन करने के बाद लाउड लाइट भी कम हो जाता है, बट दोस्तों लाइट भी कम हो जाता है बट रिक्टस लाइन, व्हाइट रिक्टस लाइन नहीं जाता है। तो चलिए इसी कंडीशन पर मीटर को मैं पहले से ही सेट करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सीरीज बल्ब भी लाइट फुल ग्लो हो जाता है इसी कंडीशन पर, स्क्रीन के अंदर इस तरह आ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, सप्लाई ऑफ करके आपको डायरेक्ट लाइन दे के दिखाऊँगा, क्योंकि ये जो अल्ट्रा स्लिम TV है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन से दिखाने के लिए ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा। चलिए मैं सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम बेस बोर्ड का अंदर जो 180 वोल्ट आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो बेस बोर्ड है, ये जो काला वाला लाइन देखा जाता है,
यहाँ पर देखिए मीटर का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, 1.4 ये शो हो रहा है, मतलब कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये जो वोल्टेज, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज मिसिंग है। तो ये वोल्टेज कहाँ से आता है, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर से, और ये वायर का अंदर यहाँ पर एक जम्पर है, तो जम्पर पर वोल्टेज है कि नहीं है, देखिए ये जो जम्पर है, ये जम्पर पर वोल्टेज देखिए मौजूद है 177 वोल्ट। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको दिखाऊंगा। अभी स्क्रीन का अंदर लाइट इस तरह है, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया क्योंकि हाई लाइट का वजह बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ फायरिंग मन में लग रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये जो चैसिस है, ये चैसिस को आप अच्छा करके देखिए, ये जो सैमसंग का चैसिस है, ये चैसिस का कॉमन फॉल्ट है, जो ये जो पूरा चैसिस का अंदर यहाँ से यहाँ तक काला वाला लाइन देखा जाता है। तो दोस्तों ये 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है, ये देखिए ये जो ESD का, ये जो देखिए बिगनर ये रेजिस्टेंस है जम्पर जैसा, ये 180 वोल्ट लाइन ESD की ये पिन से आउटपुट होने का बीच में एक डायोड है, ये 180 वोल्ट का, ठीक है, ये डायोड फॉल्ट होने का रीजन से भी हो सकता है। बट ये जो लाइन जा रहा है बीच में, ये लाइन कभी कभी हाई हो जाता है, ये लाइन से वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट ये जो पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलता है। तो इसी कंडीशन पर आपको यहाँ से, ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव से यहाँ तक आपको जम्पर करना पड़ता है। बट दोस्तों ये जो जम्पर है, जो आपको वोल्टेज चेक करके दिखा है, ये जम्पर पर वोल्टेज मिल रहा है। बट दोस्तों यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज ये बेस बोर्ड का अंदर ये पॉइंट पर नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये जो जम्पर है यहाँ से, तो मतलब पीट पीट जो आवाज़ निकल रहा है, इसका अंदर कुछ लूज कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ से एक जम्पर करूँगा, यहाँ से एक जम्पर करके मैं ये जो बेसबोर्ड है इसका अंदर कनेक्शन कर दूंगा, और उसके बाद चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये जो येलो वाला वायर मैं नीचे से लगाया, 180 वोल्ट लाइन का जो डायोड है वो उसका पॉजिटिव सप्लाई से लगाया, और ये जो वायर को मैं इस तरह कनेक्शन किया, और इस वायर को ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इधर मैं कनेक्शन किया क्योंकि ये टूट ना जाए। और आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट है, जो वोल्टेज मिसिंग था यहाँ पर, अभी कितना वोल्ट है मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए 185 वोल्ट है। तो ये वोल्ट मिसिंग कब आ जाए, ये प्रॉब्लम मिला। तो अभी मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन इसका सब कुछ करके ही रखा है, अभी देख सकते हो इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल लिंक और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने का बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हाट्सअप जैसा, ठीक है, उसके बाद लिंक क्लिक करने के बाद आप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो आसानी से। थैंक यू दोस्तों।